करबे? ममता ना मोदी? बंगाल का हर बच्चा बोल रहे के जीतबे? सत्य ईमानी दस सत्य मोदी सत्य मोटा भाई सत्य इस्माइलपुरे लखीपुरे सूती है खेला होवे नाले लंबा लंबा खेला होवे। नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज सुती विधानसभा क्षेत्र में हूं। आप देख सकते हैं ये सुती विधानसभा क्षेत्र का एरिया है और यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस बारी ममता दीदी की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो आइए हम लोगों से बात करते हैं। आज आप इधर सुती भी पहुँच गए हैं, क्या क्या माहौल है इधर का? देखिए, ऑटो में हूँ, ऑटो वाले भाइयों के साथ हूँ, बंगाल के लिए हूँ। और बंगाल के लिए जब बात होगी तो बंगालियों से क्या दादा, बंगाली से होगा ना बात? हाँ हाँ। तो आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। देखिए, हम तो शुरू से ही मोदी विरोध में रहे हैं दादा, थोड़ा ट्रांसलेट करना पड़ेगा, आपको मदद करनी पड़ेगा। एक नहीं, हिंदी बांग्ला चले जाएगा, सब बोल लेंगे हिंदी में। आप पूछिए ना, तृणमूल जीतेगा। हाँ। कौन है तृणमूल का? हिमानी विश्वास। हिमानी विश्वास। और क्यों, क्या लगता है आपको, क्यों जीतेगा बीजेपी, क्यों नहीं जीत सकता? कौन जीतेगा दादा? अगर बंगाल का लोग बोलेगा ही नहीं तो यहाँ से टीएमसी आएगा। अच्छा, क्योंकि टीएमसी का इधर हवा अच्छा है। अच्छा। वो काम करते जा रहे हैं। अच्छा, टीएमसी करता है काम। अच्छा अच्छा, तो मोदी क्यों नहीं आएगा दादा? दादा थोड़ा ट्रांसलेट करें। मोदी का बात ये है कि मोदी यहाँ पर, क्योंकि यह जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, अच्छा, लोगों को पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। अच्छा, दूसरा, सब बोलते हैं कि मोदी जी जुमला ज्यादा देते हैं, टीएमसी जुमला देता है क्या? बोलो बोलो। जुमला माने मिथ्या कथा बोला है, जो 15 लाख देवो वा ना देवो, टीएमसी की खास बीजेपी बोले मिथ्या कथा, 15 लाख देवो बोले छिलो लॉकडाउन के आगे, मतलब बीजेपी झूठ बोला। बीजेपी सब झूठ बोला, बीजेपी झूठ बोला, बीजेपी झूठ बोला, झूठ बोला, इसलिए बीजेपी को नहीं लाना चाहते। और क्या कारण है बीजेपी को, और किस कारण से नहीं लाना चाहते? बीजेपी बोलिए, देश धर्म में विभ्रांति सृष्टि करते हैं। अच्छा, धर्म के नाम पे विभाजन करता है बीजेपी। अच्छा, और टैक्स पेट्रोल का रेट, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते हैं, आप ऑटो चलाते हैं ना, आप खुश हैं बीजेपी के फैसले से जो पेट्रोल का इतना हाई रेट है? नहीं नहीं। तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? अगर आपको बुरा लग रहा है तो बोलिए। हम हिंदी बोल रहे हैं। हाँ, और क्या क्या दिक्कत है? हम लोग ऑटो ड्राइवर है। अच्छा, देखिए, डीजल और गैस का दाम बढ़ गया, शतक मार गया सीधा शतक। जो डीजल और डीजल गैस बहुत कॉस्ट हो गया, दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया। बंगाल में सब नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो टीएमसी आएगा तो दाम घटेगा, उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद नहीं है घटने का। अच्छा, फिर टीएमसी को क्यों लाना चाहते? देखिए, हम लोग गाड़ी वाला है या जो टीएमसी का अभी बाजार है, इसीलिए हम लोग टीएमसी को चाहते हैं। अच्छा, टीएमसी का कैंडिडेट काम करता है? टीएमसी, देखिए, हम लोग का झारखंड का गाड़ी है। ठीक है, टीएमसी आने से झारखंड का गाड़ी चलेगा। अच्छा, अगर नहीं यहाँ टीएमसी आएगा तो झारखंड का गाड़ी नहीं चलेगा, मतलब इंटरस्टेट काम चलेगा। हाँ, आप लोगों का, आप लोग ऑटो वाले हैं, ऑटो वाले का ये चीज, ऑटो वाले हैं जी, थोड़ा पीछे से लीजिएगा फिर जी। तो देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, इस वक्त मैं सूती में हूँ। हाँ, हाँ। औरंगाबाद के पास एक ऑटो में हूँ, मैं चाहूंगा बाहर के एरिया में आप एक बार दिखा दें अच्छे से। और मेरे साथ ही हमारे बंगाल के भाई है जो एक तो बांग्ला एक तो हिंदी बोल रहा है। क्यों? अब आप देखिएगा राहुल जी, जी मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ लोग टीएमसी को क्यों मानना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि 15 लाख मिला नहीं, गैस का दाम बढ़ गया, कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया। हाँ। तो पेट्रोल का दाम बढ़ने से आप लोगों को ऑटो का काम में थोड़ा कम हुआ है? नहीं, कम हुआ है, दिक्कत हुआ है? दिक्कत हुआ है। की दिक्कत हुई है? जमन क्या क्या दिक्कत है, थोड़ा हिंदी मिक्स करके बोलिए। दिक्कत क्या हुआ जी? हाँ, सवारी का जो पैसा है हम लोग का उतना ही मिलता है, लेकिन डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ने से हम लोग का तो पैसा घटते जा रहा है। जो ऑटो का मालिक है वो घाटा में? हाँ, घाटा में। आप लोग घाटे में? घाटे में। बीजेपी के फैसले की वजह से जो पेट्रोल का रेट बढ़ा है, इसलिए आप लोग बीजेपी को नहीं चाहते? लॉकडाउन में, देखिए, लॉकडाउन में हम लोग का किस्ती 4 किस्ती 5 किस्ती करके बाकी पड़ गया। अच्छा, इंस्टॉलमेंट आप लोग पेमेंट नहीं कर पाए लॉकडाउन में? लॉकडाउन में हम लोग पेमेंट नहीं कर पाया, हम लोग का टैक्स कट रहा है। अच्छा, हम लोग का जो इंटरेस्ट काट रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, लॉकडाउन में गाड़ी बैठा हुआ है, चार महीना का हम लोग का इंटरेस्ट पैसा काट रहा है जी। स्टेट बैंक सरकार जो काट रहा है, हाँ,
ये पैसा हम लोग काट रहे, हम लोग देंगे कहाँ से? गरीब आदमी, गरीब आदमी हम लोग, यही प्रॉब्लम है ना। देखिए हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, नहीं, नहीं, बात हम लोग तो आप लोगों का राय जानना चाहते हैं, आप लोग बोलिएगा। क्योंकि जहाँ भी बंगाल में जा रहे हैं सब एक ही बात बोल रहे हैं कि खाली दाम बढ़ा देता है, पेट्रोल का बढ़ा देता है, सब्सिडी नहीं घटा देता, तो प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है ऑटो वाला लोगों का? ऑटो वाला में यही प्रॉब्लम है हम लोग का, जो टैक्स टैक्स जो है टैक्स भरने नहीं पा रहे हम लोग जी। हाँ जी जी, लॉकडाउन में 5-6 महीने हम लोग बैठे हुए थे। टीएमसी, देखिए टीएमसी आएगा इसलिए जी, टीएमसी थोड़ा देखता है, टीएमसी देखता है। हाँ, आप क्या बोलते हैं? गरीब लोगों को देखता है आप बोल रहे हैं, गरीब लोगों का क्या करता है थोड़ा बताइए, की करे छे, कौन योजना गला, कन्याश्री, जवान कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी कार्ड, অনেক কিছু করেছে, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড আছে, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, কন্যাশ্রী যুবশ্রী যে যোজনা হ্যাঁ টিএমসি নে শুরু কিয়া, টিএমসি শুরু কিয়া, इससे लाभ हुआ है साधारण जनता को? हां साधारण लोगों का लाभ तो हुआ है। अच्छा जब आपनारा ওটা লাভ পেয়েছেন? अभी हम कुछ लाभ नहीं मिला हमको। अच्छा हमको नहीं मिला लाभ? कन्या नहीं आपकी? কন্যাশ্রী जो है और जो साथी साथ कार्ड बोल रहा है, हम एक महीना हुआ ऑपरेशन कराने गए थे। ये भारत का सवाल है, बांग्ला सवाल का सवाल, और बांग्ला के बिकते दो ना, और बांग्ला के जूते देवो ना। एबारे मोदी के भगाबो एकदम, देखा भगाबे के भगाबे ना, गुजरात भगाएंगे इस बार, गुजरात। और हम तो बोलते बहुत उम्र हो गया, अब रिटायरमेंट ले लीजिए, चाटा दे दो एबारे 26 साल में सब भगा देंगे। सूती विधानसभा क्षेत्र में ईमानी विश्वास के लिए ये चाय दादा का नाम का कार नाम का ईमानी विश्वास के नाम पे कौन जीतेगा? सूती से कौन जीतेगा? यहाँ पे बीजेपी का कोई एंट्री नहीं होगा। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, टीएमसी लाओ, देश बचाओ, टीएमसी लाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। आप समझ रहे हैं लोगों का जज्बा, लोगों का माइंड, आते रहेगा, चाय पे चर्चा करते रहेंगे, बीजेपी वालों को भगाते रहेंगे। तो सरकार का क्या हमारे सब टीएमसी से को काज नहीं। दादा 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 आपने कहा जाए बाम कांग्रेस के देखते जाए दादा ये बच्चों आपने सरकार का देखते जाए बीजेपी राज्य ममता बनर्जी क्षमता आपनी की बुझे नरेंद्र मोदी घर दिए पांच मुखे सुनि भलो भलो।